Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. जस्टिन ट्रूडो की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर इंतखाबी मुहिम में शिरकत। कंजर्वेटिव को इक्तदार से दूर रखने के लिए जो हुआ करेंगे जगमीत सिंह। कैनेडियन सूबे मैनिटोबा में बर्फानी तूफान के सबब एमरजेंसी नाफिज। स्कारब्रो में राहगीरों को कार की टक्कर, तीन जख्मी। जापान में समंदरी तूफान हागिबिस के बाइस 19 अफराद हलाक, 140 से जायद जख्मी। चीन के खिलाफ साजिश करने वालों की हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, चीनी सदर। अमेरिका की तुर्की के खिलाफ पाबंदी की तैयारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Vote for People's Party of Canada. Bring prosperity and freedom. We believe in unity in diversity. Take ownership of Canada for shared values and dreams. We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada. I am Tahir Gora, honored to represent Mississauga Malton riding for October 21st federal elections. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you, as a voter, keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes, and fight political correctness. It's time for a change. On Election Day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 647-765-6311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने सिक्योरिटी खतरे के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान स्टेज पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तकरीर की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने सिक्योरिटी खतरे के बायस अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान स्टेज पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तकरीर की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो टोरंटो के नवा में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में होने वाली रैली में डेढ़ घंटा ताखिर से पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म की शर्ट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट रैली के शुरका में मौजू बहस बनी रही। बताया गया है कि जूँ ही ट्रूडो स्टेज से उतर कर अपने हामियों को मिलने के लिए गए तो सिक्योरिटी अफसरान ने उन्हें हिसार में ले लिया। मुकामी मीडिया ने ट्रूडो की जमात के ज़राए के हवाले से बताया कि सिक्योरिटी की भारी नफरी इसलिए मौजूद थी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की जान को खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कनाडा की तस्वीर से पता चलता है कि उन्होंने अपनी शर्ट के अंदर हिफाजती जैकेट पहन रखी थी। उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया था। कनाडा में 6 हफ्ते की इंतखाबी मुहिम के आगाज के बाद से पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म कनाडा ने सिक्योरिटी पर ध्यान दिया है। ट्रूडो का इस हवाले से कहना है कि उन्हें
बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने पर मजबूर किया गया था, जबकि उनके अहले खाना और कैनेडियन आवाम की जिंदगी उनके लिए ज्यादा अहम है। उनके सियासी हरीफों ने इस हवाले से हमदर्दी का इजहार किया है, जबकि किसी भी पुरतशद्दुद अमल की मजम्मत की गई है। एनडीपी पार्टी के रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि ट्रूडो या किसी भी रहनुमा के हवाले से सिक्योरिटी खदशात हम सबके लिए परेशानी का बाइस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस को वोट देते हैं। उनका कहना था कि हम अपने अफसरान जो हमारी हिफाजत करते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शियर का कहना था कि ये सुनकर अफसोस हुआ कि एक इवेंट में शिरकत के लिए जस्टिन ट्रूडो को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ी। तशद्दुद की धमकियों की हमारी जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि आरसीएमपी के शुक्रगुजार हैं जिसने धमकियों को संजीदगी से लिया और हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया। एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह ने कहा है कि हम कंजर्वेटिव हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, हम कंजर्वेटिव के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, हम उसका हर तरह से मुकाबला करेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनडीपी के रहनुमा जगमीत सिंह ने कहा है कि वो कंजर्वेटिव को इक्तदार संभालने से रोकने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे, जिसमें जस्टिन ट्रूडो के लिबरल्स के साथ मखलूत हुकूमत तश्कील देना भी शामिल है। कनाडा में आम इंतखाबात में चंद रोज ही बाकी हैं और इस हवाले से सियासी रहनुमाओं ने भी तेजी दिखाना शुरू कर दी है। इस दौरान जगमीत सिंह की मकबूलियत में खासन इजाफा हुआ है और वो इस कोशिश में मसरूफ हैं कि लिबरल्स और कंजर्वेटिव को इक्तदार में आने से रोक सकें। सिंह ये वादा करके लिबरल के खौफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शेयर के कंजर्वेटिव ज्यादातर नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हैं लेकिन अक्सरियत में नहीं, तो एनडीपी इत्तेहादी हुकूमत में लिबरल्स ब्लॉक और ग्रीन पार्टी के साथ बिल्कुल काम करेगी। सिंह ने कहा कि हम कंजर्वेटिव हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, हम कंजर्वेटिव के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, हम उसका हर तरह से मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब जगमीत सिंह ने बर्नाबे साउथ में अपना वोट कास्ट कर दिया है। वाज़ेह रहे कि एनडीपी रहनुमा की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जबकि एक पोल के मुताबिक वफाकी रहनुमाओं के सबसे बड़े इंग्लिश मुबासे का फातेह सिंह को करार दिया गया था। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा के सूबे मैनिटोबा में शदीद बर्फबारी के सबब एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए, जबकि फर्स्ट नेशन को वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे मैनिटोबा में शदीद बर्फबारी के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए, जबकि फर्स्ट नेशन को वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। हुकाम का कहना है कि तूफान से सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली में कई दिन लगेंगे, जिसने दरख्तों और सैकड़ों हाइड्रो खम्बों को मुतासर किया है। जुमे के रोज से हजारों अफराद बिजली से महरूम है। मैनिटोबा हाइड्रो के सदर और सीईओ जे ग्रेवाल ने मैनिटोबा के प्रीमियर ब्रायन पैलेस्टर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान के सबब कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दही उमूर के वजीर एलन क्लार्क ने कहा कि फर्स्ट नेशन के रहनुमाओं ने कहा है कि लगभग 5000 अफराद को बगैर ताकत के मुआशरों से निकालने की जरूरत हो सकती है। सूबे में एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सस्केचुआन, ऑन्टेरियो और मिनीसोटा से बिजली की बहाली में मदद ली जा सकती है। दूसरी जानिब इस बर्फानी तूफान ने न सिर्फ मकानात, गाड़ियां और बिजली की लाइनों और बंद शाहराओं को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इससे विनीपैग में मुतादित फेडरल इलेक्शन एडवांस पोलिंग स्टेशनों को दूसरी जगह मुंतकिल या कई को बंद कर दिया गया है। स्कारबरो में फुटपाथ पर गाड़ी से टकराए जाने के बाद छोटा बच्चा जो दो खवातीन के साथ था शदीद जख्मी हो गया था। उनके वालिद के मुताबिक अब वो ठीक है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्कारबरो में फुटपाथ पर गाड़ी से टकरा जाने के बाद एक छोटा बच्चा जो दो खवातीन के साथ था शदीद जख्मी हो गया था। उनके वालिद के मुताबिक अब वो ठीक है। एमरजेंसी अमले को फार्मेसी एवेन्यू और एलमेसर रोड के पास एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें एक इंटरसेक्शन के पास 3 पैदल अफराद के जख्मी होने की इत्तला थी। तफ्तीशकारों की जानिब से कहा गया है कि उन्हें मस्कूरा कार सिग्नल पर रुकने में नाकाम रहे। पुलिस ने बताया कि उसके बाद गाड़ी फुटपाथ पर पैदल चलने वाली 57 साल खातून, एक 37 साल खातून और एक 20 माह के बच्चे को टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक जब अफसरान वहां पहुंचे तो तीनों जख्मी हालत में थे, जहां बच्चे और खवातीन की हालत तश्वीशनाक बताई गई थी। तफ्तीशकारों ने शहरियों से मुतालबा किया है कि अगर उनके पास इस हवाले से कोई तस्वीर या फुटेज हो तो पुलिस से राब्ता करें, ताकि इस किस्म के जराइम को रोका जा सके। जापान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं जापान में आने वाले समंदरी तूफान हागिबिस को गुज़िश्ता 60 सालों बाद खतरनाक तरीन तूफान कहा जा रहा है, जिसमें लैंड स्लाइडिंग और दीगर वाकयात में 19 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि 140 से ज्यादा जख्मी है और दर्जनों अफराद लापता है।
मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में समंदरी तूफान हगीबस के 22-19 अफराद हलाक और 140 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जापान में आने वाले समंदरी तूफान हगीबस को गुज़िश्ता 60 सालों बाद खतरनाक तरीन तूफान कहा जा रहा है, जिसमें लैंड स्लाइडिंग और दीगर वाकयात में 19 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि 140 से ज्यादा जख्मी है और दर्जनों अफराद लापता है। समंदरी तूफान हगीबस जापान के जनूब मगरब में वाक जजीरा नुमा इलाके एजो से टकराने के बाद 225 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मशरकी साहिल की जानिब बढ़ रहा है। जापानी हुकूमत ने 60 लाख अफराद को फौरी तौर पर घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की है। जापान के तारीख के खतरनाक तरीन तूफान से जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो समेत मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब आ चुका है, जिसके बाइस दर्जनों दरख उखड़ चुके हैं और कई इलाकों की बिजली भी गायब है। मुल्की और बैरूनी मुल्की परवाजें और ट्रेनें मनसूख हो गई हैं। इसके अलावा जापान में होने वाले इंटरनेशनल मैचेस भी मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि हुकूमत ने तूफान में फंसे अफराद को निकालने के लिए एमरजेंसी टीमें तश्कील दी हैं। वाज़े रहे कि जापान में 1958 में आने वाले तूफान को खतरनाक तरीन तूफान कहा जाता है, जिसमें 1200 से ज्यादा अफराद हलाक, जख्मी और लापता हुए थे। टाइफून के अख्तिताम पजीर होने के साथ ही कैनेडा की रग्बी टीम, जो जापान में रग्बी वर्ल्ड कप के लिए मौजूद है, बहाली के कामों में मसरूफ हो गई है, जिस पर रग्बी वर्ल्ड कप के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि रग्बी मैच कैंसिल होने के बाद कनाडा की टीम बहाली को कामों में अपना हिस्सा डाल रही है, जो काबिले सताइश है। कुछ बात करेंगे हांगकांग में। गुज़िश्ता 4 माह से चीन और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिस पर चीनी हुकाम ने अमरीका समेत दीगर ममालिक को इस मामले पर मदाखलत से खबरदार किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीनी सदर शी जिनपिंग ने हांगकांग में जारी मुजाहरे के रद्द अमल में मुखालफीन को मुतनब्बे किया है कि चीन के खिलाफ साजिश करने वालों की हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक हांगकांग में गुज़िश्ता 4 माह से चीन और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिस पर चीनी हुकाम ने अमरीका समेत दीगर ममालिक को इस मामले पर मदाखलत से खबरदार किया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरे नेपाल के मौके पर कहना था कि हांगकांग चीन का हिस्सा है, उसे तोड़ने के लिए बैरूनी ताकतें मेहनत कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब है। हांगकांग के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरों का सिलसिला ताहाल जारी है। कई इलाकों में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बंद रहा, जबकि रेलवे लाइन भी जुज़्वी तौर पर मुतासिर रही। हांगकांग तनाज़े के बाइस चीन और अमरीका के दरमियान तजारती जंग में भी शिद्दत आ चुकी है। हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है कि हमने अपने इदारों को तैयार रहने का हुक्म दिया हुआ है कि वो किसी भी वक्त तुर्की पर पाबंदी आयद कर सकते हैं, जिसमें सख्त पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर का कहना है कि सदर ट्रंप ने अमरीकी वजीर खजाना को तुर्की के खिलाफ पाबंदियों का इख्तियार दे दिया है। मार्क एस्पर ने कहा कि तुर्की की तरफ से शुमाली शाम में अपनी फौज शामिल करने और कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के बाद सदर ट्रंप ने तुर्की पर पाबंदियां आयद करने का इख्तियार दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका तुर्की पर पाबंदियां आयद करना नहीं चाहता, तहम अगर तुर्की शाम के इलाकों में फौजी ऑपरेशन से बाज ना आया तो हमने इसके खिलाफ मौशी पाबंदियाँ आयद करने की तैयारियाँ मुकम्मल करनी हैं। मार्क एस्पर ने कहा कि हम अपने इदारों को तैयार रहने का हुक्म दिया हुआ है कि वो किसी भी वक्त पाबंदी आयद कर सकते हैं, जिसमें सख्त पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं, मगर हमें उम्मीद है कि ये सब करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ताहम अगर तुर्की बाज ना आया तो उसके खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने तुर्की को ताकीद की थी कि वो शहरी आबादी में कार्रवाई करने से पहले वाजे करे। शाम के शुमाल मशरकी इलाके में तुर्की ने कुर्द मलेशिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और कुर्द मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तुर्की ने फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ की हैं। तुर्क वजारत दिफा का कहना था कि उनकी फोर्सेज ने कुर्दों की 181 ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्की के इस ऑपरेशन के नतीजे में कुर्द मलेशिया के 16 अरकान हलाक हो गए। तुर्क फौज का ऑपरेशन 2 लाख शामी शहरी नकल मकानी पर मजबूर। तुर्की के इस ऑपरेशन के बाद यूरोपीय यूनियन का इजलास हुआ था, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने तुर्क फौज के ऑपरेशन को गलत करार देते हुए तुर्की से मुतालबा किया था कि वो शाम में जंगबंदी करने के बाद अपनी फौजें वहां से वापस बुला ले। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।